हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू चित्रा साइंस अब टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एग्लूटिनेशन रिएक्शंस जब हम इनसॉल्युबल एंटीजन और एंटीबॉडी को इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन यानी कि बराबर मात्रा में एक दूसरे से मिलाते हैं तो जो एंटीबॉडी है क्योंकि ये एंटीबॉडी एंटीजन के लिए स्पेसिफिक है तो ये एंटीबॉडी इन एंटीजन्स को क्रॉस लिंक करके एक क्लंपिंग कर देती है एंटीजन्स की इस क्लंपिंग को हम एग्लूटिनेशन कहते हैं एग्लूटिनेशन रिएक्शंस क्या हैं वो रिएक्शंस हैं जिसमें एंटीजन की क्लंपिंग हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ एंटीबॉडी एंटीबॉडी जो है वो क्रॉस लिंक करती है एंटीजन्स को और ये क्लंपिंग हमें अनएडेड आई से आँखों से दिखाई देती है तो जिन रिएक्शंस में ये क्लंपिंग एंटीजन्स की एंटीबॉडी के थ्रू होती है उन रिएक्शंस को हम एग्लूटिनेशन रिएक्शंस कहते हैं तो एग्लूटिनेशन रिएक्शंस जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं या तो एंटीजन के डिटेक्शन के लिए या एंटीबॉडी के डिटेक्शन के लिए सीरम में या बॉडी फ्लूड ब्योडी फ्लूड का मतलब जैसे कि आपका सेलाइवा है आपका म्यूकस है आपका यूरिन है एक्सेट्रा ये जो रिएक्शंस हैं ये डिजीज़ डायग्नोसिस में यानी कि क्लिनिकल आपकी क्लिनिकल रिएक्शंस में ये यूज़ किए जाते हैं अब जो एंटीबॉडीज़ एग्लूटिनेशन रिएक्शंस में यूज़ होती हैं और जो एंटीजन को एग्लूटिनेट करती हैं उन एंटीबॉडीज़ को हम एग्लूटिनस कहते हैं हम देखते कितने टाइप के एग्लूटिनेशन रिएक्शंस होते हैं एग्लूटिनेशन रिएक्शन को हम ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं एक को हम कहते हैं एक्टिव या डायरेक्ट एग्लूटिनेशन और दूसरे को पैसिव और इनडायरेक्ट एग्लूटिनेशन एक्टिव एग्लूटिनेशन के दो टाइप हैं एक है स्लाइड एग्लूटिनेशन रिएक्शन और एक है ट्यूब एग्लूटिनेशन रिएक्शन स्लाइड एग्लूटिनेशन रिएक्शन में हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे विडाल टेस्ट का और डायरेक्ट हीम एग्लूटिनेशन टेस्ट का पैसिव में हम पढ़ेंगे लेटेक्स एग्लूटिनेशन इनडायरेक्ट हीम एग्लूटिनेशन और को एग्लेशन इन रिएक्शंस में से हम हीम एग्लूटिनेशन टेस्ट जो है वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और रिमेनिंग टेस्ट आपके नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे अब देखते हैं टाइप जो हमने ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड किया था एक्टिव क्या है और पैसिव क्या है एक्टिव एग्लूटिनेशन रिएक्शन में जो भी एंटीजन आपको डिटेक्ट करना है वो एंटीजन नेचुरल फॉर्म में होगा यानी कि जिस माइक्रो ऑर्गेनिम की सरफेस पर वो प्रेजेंट है उसे हम एज इट इज नेचुरल फॉर्म में लेंगे जैसे कि हम जो है किसी वायरस का डिटेक्शन कर रहे हैं तो हम जो है वायरल सैंपल लेंगे जिसके सर्फेस पर वो एंटीजन प्रजेंट होगा तो नेचुरल फॉर्म में यहाँ पर हम एंटीजन को लेते हैं इसलिए हम इसे डायरेक्ट या एक्टिव एग्लूटिनेशन कहते हैं पैसिव में क्या है टेस्ट एंटीजनस को हम केमिकली एक इनर्ट पार्टिकल से जोड़ देते हैं उस पर कोटिंग कर देते हैं इसको हम कैरियर पार्टिकल कहते हैं जैसे कि लेटेक्स बीड पर हम एंटीजन ने कोट कर दिया ये नेचुरली जो है वो सेल सरफेस पर प्रेजेंट नहीं होते अब हम टाइप देखते हैं एक्टिव एग्लूटिनेशन रिएक्शन में एक्टिव एग्लूटिनेशन में क्या है एंटीजन जो है नेचुरली प्रेजेंट होता है ऑन द सर्फेस ऑफ द सेल जैसे कि यहाँ पर ये वायरस है ये वायरस की सर्फेस पर ये एंटीजन्स है अब इन एंटीजेंस के स्पेसिफिक जब हम एंटीबॉडी डालेंगे तो ये एंटीबॉडी इस वायरस को क्रॉस लिंक कर देगी एग्लूटिनेशन कर देगी इन वायरल पार्टिकल्स का ये है आपका एक्टिव एग्लूटिनेशन एक्टिव एग्लूटिनेशन जो है ब्रोडली हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं एक को कहते हैं स्लाइड एग्लूटिनेशन टेस्ट और दूसरे को कहते हैं ट्यूब एग्लूटिनेशन स्लाइड एग्लूटिनेशन में क्या है जो हम एंटी सीरम और एंटीजन मिलाते हैं वो हम एक स्लाइड या सेलाइन में मिलाते हैं इक्वल प्रोपोर्शन में एंटी सीरम और एंटीजन एक ड्रॉप ऑफ सेल में मिलाते हैं या तो किसी स्लाइड पर या टाइल्स पर और जब एग्लूटिनेशन जो है एंटीजेंस का इसमें होता है तो इसे हम स्लाइड एग्लूटिनेशन टेस्ट कहते हैं पॉजिटिव टेस्ट इसमें इंडिकेट होगा जब एंटीजेंस जो हैं एक दूसरे से क्लंप होंगे तो ये जो क्लंपिंग है एंटीजेंस की वो हमें आँखों से दिखाई देगी स्लाइड एगोलोटिनेशन टेस्ट हम रूटीनली यूज़ करते हैं फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरियल आइसोलेट्स हमें क्लिनिकल स्पेसीमैन मिला है और उसमें आइडेंटिफाई करना है कौन सा बैक्टीरिया है तो हम ये स्लाइड एगोलोटिनेशन टेस्ट करते हैं या ब्लड टाइपिंग के लिए करते हैं या हमें किसी को ब्लड चढ़ाना हो तो क्रॉस मैचिंग की ये ब्लड ग्रुप इससे मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है एग्जाम्पल्स देखते हैं एग्लूटिनेशन टेस्ट जो हम ब्लड टाइपिंग के लिए करते हैं ब्लड ग्रुप पता करने के लिए कि ए बी सी क्या है विडाल टेस्ट जो टाइफाइड फ़ीवर की डायग्नोसिस में यूज़ किया जाता है एग्लूटिनेशन टेस्ट ब्रूसेलोसिस आपकी डिजीज़ है वेलिक्स फेलिक्स टेस्ट जो है ये टाइफस फीवर के लिए है अब हम डिटेल में देखते हैं एग्लूटिनेशन टेस्ट हीम एग्लूटिनेशन क्या है क्लम्पिंग ऑफ आर बी सी एग्लूटिनेशन ऑफ आर बी सी को हम हीम एग्लूटिनेशन कहते हैं और ये जो क्लम्पिंग है आर बी सी को एक साथ जोड़ना है वो काम एंटीबॉडीज़ करती हैं ये जो आर बी सी है इनकी सरफेस पर एंटीजनस होते हैं इन एंटीजन के स्पेसिफिक जब हम एंटीबॉडी डालते हैं तो ये एंटीबॉडी इन्हें क्रॉस लिंक करती है एग्लूटिनेट करती है और क्लंपिंग करती है इस क्लंपिंग ऑफ आर को हम हीमेग्लूटिनेशन कहते हैं ये जो हीमेग्लूटिनेशन है ये डायरेक्ट हीमेग्लूटिनेशन टेस्ट है क्योंकि इसमें जो एंटीजन है वो सेल की सरफेस पर प्रजेंट है एक इनडायरेक्ट हीमेग्लूटिनेशन टेस्ट भी होता है वो आपका पैसिव एग्लूटिनेशन में हम फर्दर पढ़ेंगे ये टेस्ट हम रूटीनली यूज़ करते हैं ब्लड टाइपिंग में आप देखते हैं ब्लड टाइपिंग हम कैसे करते हैं हमें पता है चार तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं ए बी ए बी एंड ओ ए ब्लड ग्रुप जब होता है तो आर बी सी एंटीजन प्रेजेंट होता है बी ब्लड ग्रुप होता है तो बी एंटीजन होता है ए बी ब्लड ग्रुप होता है तो ए और बी दोनों एंटीजन होते हैं और ओ जब ब्लड ग्रुप होता है तो कोई भी एंटीजन हमारी आर बी सी पर नहीं होता अब ब्लड टाइपिंग में हम क्या करते हैं तीन ड्रॉप्स लेते हैं हम ब्लड सैंपल की पहले के अंदर एंटी ए एंटी सीरा अगेंस्ट ए एंटीजन डालते हैं दूसरे के अंदर एंटी सीरा अगेंस्ट बी और तीसरे में ये आर एच फैक्टर के लिए होता है पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए तो इसमें डालते हैं एंटी डी अब अगर हमारे हमने इसमें क्या डाला एंटी ए यानी कि ए एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ इसके अंदर क्या है बी एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ डाली है अब सपोज करो कि एक जो इंडिविजुअल है उसका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है अब उसका बी ब्लड ग्रुप है तो उसकी आर बी सी पे बी एंटीजन प्रेजेंट होगा तो जब हम इसके अंदर एंटी बी एंटीबॉडीज़ डालेंगे तो इन आर बी सी की क्लंपिंग हो जाएगी तो अगर क्लंपिंग बी एंटी बी एंटीबॉडी से हुई है तो इसका मतलब ब्लड ग्रुप जो है वो बी है अगर एग्लूटिनेशन डी में भी हुआ है तो बी प्लस है और अगर डी में नहीं हुआ तो बी माइनस है तो इन तीनों के अंदर अगर क्लंपिंग होगी ए के अंदर तो आपका ए ब्लड ग्रुप है बी के अंदर होगी तो बी है ए और बी दोनों के अंदर है तो ए भी है और अगर दोनों के अंदर ही नहीं है तो आपका ए है आप देखते हैं वायरल ही मैग्लूटिनेशन टेस्ट ये टेस्ट जो है आपका ही टेस्ट कुछ अनवलप्ड वायरस की डायग्नोसिस में भी हम यूज़ करते हैं कुछ एनवलप्ड वायरस जैसे कि आपका इन्फ्लुएंजा वायरस है मिजल्स वायरस है ये जो वायरस हैं इनके बाहर एक एनवलप होती है ये लिपिड की लेयर है और इसके अंदर भी प्रोटीन्स लगे हुए होते हैं इन्हें हम एनवलप प्रोटीन्स कहते हैं ये बाहर निकले हुए होते हैं और ये वायरस का होस्ट सेल से अटैचमेंट में यूज़ होते हैं अब हम एग्ज़ाम्पल लें इन्फ्लुएंजा वायरस का इन्फ्लुएंजा वायरस के अंदर बाहर एनवलप में ग्लाइकोप्रोटीन प्रोटीन होता है जिसे हम कहते हैं हीम एग्लुटलिन हीम एग्लुटलिन इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आर से बाइंड करता है तो जब हम इस वायरस को इन्फ्लुएंजा वायरस हो या मिजल्स वायरस को आर बी किसी के साथ मिक्स करते हैं तो इसके ये जो बाहर एनवलप के प्रोटीन हैं ये जाके आर बी सी से जुड़ जाते हैं इस तरह से ये जो एक वायरस है ये दो आर से जुड़ेगा और इसी तरह ये जब इक्वलेंट प्रोपोर्शन में होंगे तो ये वायरस जो है इन आर की क्लंपिंग कर देगा और आर की क्लंपिंग को हम हीम एग्लूटिनेशन कहते हैं और ये क्लंपिंग क्योंकि वायरस के थ्रू ही तो इसे हम वायरल हीम एग्लूटिनेशन कहते हैं अब अगर हमारे पास कोई भी सैंपल है और उस सैंपल के अंदर हमें देखना है कि ये ही हमें ग्लूटिनेटिंग वायरस है या नहीं यानी कि इनफ्लुएंजा है मिजल्स है मम्स है वायरस है या नहीं तो हम क्या करेंगे हम लेंगे टेस्ट सैंपल और टेस्ट सैंपल के अंदर आर डाल देंगे तो अगर हीमेग्लूटिनेटिंग वायरस उसके अंदर प्रेजेंट होगा तो आर का एग्लूटिनेशन हो जाएगा यानी कि हीमेग्लूटिनेशन होगा इन केस ऑफ पॉजिटिव टेस्ट अब ये जो टेस्ट है ये एलाइजा प्लेट में हम करते हैं उसमें छोटे छोटे वेल्स होते हैं तो वेल्स के अंदर जब एग्लूटिनेशन होगा आर का तो आर पूरी फैली हुई होंगी एक फिल्म लाइक -like लेयर बनाएंगे तो पूरा आपको रेड कलर की फिल्म टाइप आपको दिखाई देगी माइक्रोटाइटर वेल जब नेगेटिव टेस्ट होगा तो आपके सैंपल के अंदर जो वायरस होगा वो एग्लूटिनेटिंग वायरस नहीं होगा कोई और वायरस होगा या एबसेंट होगा और जब हम आर डालेंगे तो इन आर की क्लंपिंग नहीं होगी आर जो है वो आपकी अलग अलग होंगी तो ये एक साथ सेटल डाउन हो जाएंगी एट द बेस ऑफ द वेल और एक बटन लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगी तो अगर ही नहीं होगा तो तब ये होगा नेगेटिव टेस्ट <coughs> अब इसी का एक वर्जन है हीमेग्लूटिनेशन इन्हीबिटेशन इनहिबिशन टेस्ट जिसे एच ए आई कहते हैं ये टेस्ट भी हम यूज़ करते हैं फॉर द डायग्नोसिस और इन्फ्लेंजा वायरस मम्स वायरस इस वायरस में हम एंटीजन डिटेक्ट ना करके एंटीबॉडीज़ देखते हैं कि, कि किसी भी पर्सन को अगर इनमें से किसी वायरस का इन्फेक्शन है तो इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ उसके ब्लड में ज़रूर होंगी तो इन एंटीबॉडीज़ को हम डिटेक्ट करते हैं इस टेस्ट से अब इस टेस्ट में एग्जाम्पल लिया हमने एक वायरस एक पर्सन है उसे मिजल्स इन्फेक्शन है मिजल्स इन्फेक्शन है तो एंटीबॉडीज इस वायरस के अगेंस्ट उसके सीरम के अंदर ज़रूर होंगी अब हमने क्या किया सीरम लिया पर्सन का वायरस लिया और आर ली तो जब ये जो एंटीबॉडीज़ हैं क्योंकि ये इस वायरस के स्पेसिफ़िक हैं तो ये एंटीबॉडीज़ जाके इस वायरस से बाइंड कर जाएंगी जब इस वायरस से बाइंड कर जाएंगी तो ये वायरस न्यूट्रलाइज हो गया ये वायरस फ्री नहीं है कि इन आर से बाइंड कर सके और जब ये इन आर से बाइंड नहीं करेगा तो आर की क्लम्पिंग नहीं होगी तो एग्लूटिनेशन नहीं होगा आर का तो नो ही मेगलोटिनेशन पर ही का इनहिबिशन हो गया तो ही का इनहिबिशन हुआ हुआ है क्योंकि एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट थी एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट थी इसका मतलब उस इंडिविजुअल के अंदर इन्फेक्शन था तो अगर हीमेग्लूटिनेशन इन्हीबिशन होता है तो टेस्ट पॉजिटिव है अब हमने ये दो लिया है एक नेगेटिव टेस्ट एक पॉजिटिव टेस्ट नेगेटिव टेस्ट के अंदर टेस्ट सीरम के अंदर एंटीबॉडीज़ एब्सेंट है क्योंकि उसे इन्फेक्शन नहीं है जब हम वायरस और आरबीसी मिलाएंगे तो आरबीसी की क्लंपिंग होगी हीमाग्लुटिनेशन होगा और हमें जो वेल्स हैं एलाइज़ा प्लेट की उसमें ऐसे थिन फिल्म दिखाई देगी रेड कलर की अगर टेस्ट पॉजिटिव होगा तो ये वायरस एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होंगी सीरम के अंदर वो वायरस को न्यूट्रलाइज कर देंगी आर का सी का नहीं होगा और हमें जो है आर एक बटन की फॉर्म में नीचे सेटल हुई मिलेगी दिस इज़ ऑल अबाउट हीमग्लूटिनेशन टेस्ट थैंक यू